उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रकृति ने कई नेमत दी है, जिसका यदि सही से उपयोग किया जाए तो यह निश्चित रूप से यहाँ के ग्रामीणों की आजीविका का साधन भी बनेगा। और इसके साथ ही साथ ग्रामीणों को घर में ही रोजगार मिलने से पलायन को भी रोकने में यह सहायता प्रदान करेगा। और उसी प्रकृति की नेमत में से एक नेमत है तिमिल, जिसे अंजीर भी कहते हैं, और साथ ही साथ लिंगुड़ा, जो एक पहाड़ी सब्जी है। शरीर के लिए यह बेहद लाभदायक तो होती है, लेकिन अब धीरे धीरे चमोली जिले की ग्रामीण अंचलों की महिलाओं को यह रोजगार प्रदान करने में भी सहायता देगा। लोगों को इसके बारे में पहले कम ही जानकारी थी, लेकिन अब धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यह महिलाएं की आय बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। चमोली जिले के ग्राम पंचायत कुंजों में इन दिनों स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तिमिल और लिंगुड़े से अचार, जैम इत्यादि बनाने के साथ साथ इसकी ब्रांडिंग करने का प्रशिक्षण दिया गया। मेरा नाम है कुसुम, मेरे समूह का नाम है कनेश्वर स्वयं सहायता समूह, मेरे संगठन का नाम है गौरा देवी महिला ग्राम संगठन जो मैकोट, और यहाँ पे 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है तिमिल का अचार और लिंगुड़े का अचार का, जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तिमिल का प्रसंस्करण अचार एवं जैम प्रशिक्षण, जो कि जिला विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी के द्वारा निर्देश, उनके निर्देश के अनुसार ये अचार हम समूह की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक है। जैसे ये कैंसर, मधुमेह और कब्ज के लिए ये रामबाण इलाज है। पहले यहाँ पे जो ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा जो यहाँ पे 3 दिवसीय ये तिमिले और लिंगुड़े का अचार बनाने का प्रशिक्षण हमारी समूह की महिलाओं को यहाँ पे दिया जा रहा है। ये अचार, ये जो ये तिमिला है, ये लिंगुड़ा है, इसका हमको पहले इतनी जानकारी नहीं थी। पहले हम इसको घास फूस के लिए यूज करते थे, लेकिन जिला विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार और खंड विकास अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पे ये हमें यहाँ पे ये पता चला कि इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है स्वास्थ्य के लिए। ये अचार हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे कब्ज के लिए हो गया, कैंसर के लिए हो गया और मधुमेह के लिए हो गया, तो ये इन बीमारियों का रामबाण इलाज है। तो हम इस अचार को बना रहे हैं और आगे से हम जब ये महिलाएं यहाँ पे ये अचार बनाना सीख जाएंगी तो आगे से ये महिलाएं आपकी ये एक तरफ से महिलाओं के ये आय का साधन बन जाएगा। चमोली से न्यूज़ 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।